नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कंजॉइंट ट्विंस पे। बफेलो के काफ जो होता है, जुड़ा हुआ रहता है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में अभी कल महेश्वर में जलकोटी ग्राम में एक कौतूहल का विषय लोगों के लिए था। वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सकों की टीम ने, शल्यगु की टीम ने, जिसमें डॉक्टर संतोष मंडलोई सर, डॉक्टर लेस चौहान सर और डॉक्टर महेश बर्मन के द्वारा ऑपरेशन के द्वारा बफेलो का काफ निकाला गया, बफेलो का बच्चा निकाला गया जो कि बीच से जुड़ा हुआ था। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि इसमें छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके लिए करूँ कि कैसे ये बच्चे क्यों जुड़ते हैं, इसका क्या कारण होता है और इसका समाधान क्या है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। साधारण सी बात है कि जो गाय और भैंस होती है तो उसमें ऐसी चीज़ें रेयर ही मिलती है, लेकिन इसमें हमारे जो मुख्य बिंदु रहेंगे उसमें एक साधारण सा परिचय रहेगा और इसके क्या कारण होते हैं और इसका इंसिडेंस क्या होता है और सॉल्यूशन क्या है इसका, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं, यदि गाय या भैंस के गर्भ में है तो वो मैक्सिमम कारण बनते हैं डिस्ट्रोकिया के। कंजॉइंट ट्विंस डेवलप होने के जो मुख्य रीजन होता है वो होता है कि जब भ्रूण जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 8वें दिन एम्ब्रियोनिक प्लेट के डेवलपमेंट में और सेपरेशन में दिक्कत आती है। इस वजह से हमें कंजॉइंट ट्विंस देखने को मिलते हैं जो कि या तो किसी भी भाग से जुड़े होते हैं, जिसके हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जुड़े होते हैं। मॉन्स्टर की बात करते हैं, जो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं उनको हम आमतौर पर मॉन्स्टर बोलते हैं और इसमें दो या दो से अधिक फिटस किसी भी एक भाग पर जुड़े हुए रहते हैं। और ये चित्र हमारा जलकोटी ग्राम महेश्वर का है जो कि डॉक्टर संतोष मंडलोई सर ने लिया है। इसका जो अक्रंस है, इंसिडेंस है, वो 1 लाख भैंस में या 1 लाख गाय में एक के गर्भ में ऐसा बच्चा पलता है। इसके फ्यूज़न के टाइप पे या जुड़ने के टाइप पे हम देखें कि मॉन्स्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे वैसे तो बहुत तरह से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कॉमनली जो पाए जाते हैं गाय और भैंस में वो होते हैं थोरेकोपेगस, जिसमें क्या होता है कि जो बछड़े जो दो होते हैं दोनों, वो फेस टू फेस की पोजिशन होती है और चेस्ट से जुड़े होते हैं, स्टर्नम से जुड़े होते हैं। दूसरा हमें क्रेनियोपेगस देखने के लिए मिलता है जो कि स्कल से जुड़े हुए बच्चे हमें देखने को कभी कभार मिलते हैं। तीसरा कॉमन दिखता है इस्टियोपेगस, तो इस्टियोपेगस में हमें जो पोजीशन होती है जुड़ने की वो पेल्विस से होती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो होते हैं इस्टियोपेगस। पायोपेगस भी एक कंडीशन बनती है और एक होती है सिपेलोफेगस, जिसमें कि आप हेड और कुछ भाग चेस्ट का जुड़ा रहता है, जिसमें कि इस तरह से उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके टाइप्स को बताते हैं मॉन्स्टर बफेलो काप्स के। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन जब मॉन्स्टर काप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ये जो बच्चे हैं जिसके 8 पैर है और 2 सिर है, तो इन बच्चों के लिए हमें सबसे मेन जो है, या तो हम क्या कर सकते हैं, फिटोटॉमी कर सकते हैं या सीजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। फिटोटॉमी एक प्रक्रिया है जो कि डिफ़िकल्ट बर्थ होता है, जिसे डिस्टोकिया कहते हैं, उस समय हम बच्चे के भागों को काट काट कर बाहर निकालते हैं, हिस्सों में निकालते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए गर्भनाल में। रही बात सीजेरियन सेक्शन की, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं, यदि हमारे पास एक्सपर्ट सर्जन है तो हम सीजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें हाँ एक बात ज़रूर है कि सीजेरियन सेक्शन में जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम है, मतलब 45% के आसपास है, तो इसलिए ये रिस्की ज़रूर है, लेकिन हम 45% केसेस में हम माँ को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा मॉन्स्टर काप पे एक जनरल डिस्कशन। इसके बचाव के तरीके तो कुछ नहीं है, लेकिन हम यदि एडवांस प्रेग्नेंट गाय या भैंसे, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले से पेरेक्टल एग्जामिनेशन करके बच्चे की स्थिति का पता कर ले, जिससे कि हम समय पर उसका सीजेरियन सेक्शन करवा पाए, जिससे कि सर्वाइवल रेट अधिक रहे और हम उस गाय या भैंस को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।